कहाँ जा रहे हैं मतलब? भाई नोवा को लेने जा रहे हैं, नोवा आ चुके हैं एंड ऑल सेट एक्साइटेड, ये नोवा को लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। स्टार्ट गाइस, लेट्स गो गाइस, कम ऑन निकलो। यस भाई, सब कुछ ठीक, स्टार्ट हो रहा है फाइनली, सब सेट हो गया है एफसी कोहली में। मस्त, मतलब एकदम आई थिंक ऑल वेरी गुड, होपफुली सब बढ़िया जाए। कुछ बीटी ना है, बट बीटी आएगी भी तो इट्स देयर ऑन द व्लॉग। और एक क्या लग रहा है तुमको, इनोवा आ रहे हैं अब? अपॉर्चुनिटी दे दी है ज्यादा होस्ट करने की, बट देखो यार अब थोड़ा डर तो मेरे को लग रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम है, बट लेट्स सी। आ गए हैं सर, आ गए हैं। हेलो 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 सर, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हाय, पूरा फैन बॉय मोमेंट्स चालू हो गए हैं, फैन गर्ल मोमेंट्स। एंड यस, 12:30 वी आर ऑन टाइम, देख आधे घंटा बचा है एंड नोवा इज हियर, तो थैंकफुली एवरीथिंग इज गोइंग ऑन टाइम ऑन शेड्यूल एंड यस, वेरी वेरी एक्साइटेड। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है नोवा को असली? वेरी एक्साइटेड, आई हैव नो वर्ड्स, यू कैन नॉट मैच दैट एक्साइटमेंट, कैन यू? भाई ये सब चलता है, बताओ, बोल रहे कैमरा अलाउड नहीं है, अब यूट्यूबर बिना कैमरा के नोवा बताइए ऐसे कैसे चलेगा? द टाइम वी आर प्लान टू स्टार्ट इट, तो हम अभी आपको बैक स्टेज ले जाएं या कहीं और ले जाएं? बैक स्टेज, ठीक है, नहीं 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 सही है सही है, बैक स्टेज ले जाते हैं आपको, ठीक है? वुड यू लाइक टू वॉक डाउन या फिर करा दे, क्योंकि यहीं पर ही है मतलब ऐसी गोली, ठीक है? तो ये गया भाई अपना, हाँ मतलब देखो मुझे तो बोला गया भाई नोवा को होस्ट करना है, मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, मैं छुट्टी छोड़ के आया तो क्या भाई सारे गेस्ट जे एन यू में है ठीक है, मतलब मैं तो अपना बता रहा हूँ, मैं जे एन यू कभी देखा नहीं, IIT बॉम्बे देखा है, मेरा फेवरेट पास टाइम यही है कि भाई रात को निकलो, कान में गाने लगा के, मेरा सफर लगा के एंड पूरा ऐसे इस वॉक पे निकलो, एकदम शांति, बेस्ट पीस ऑफ माइंड मिलता है। बाकी हाँ आप बताइए, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली में आपके बेस्ट मेमोरीज क्या हैं? IIT दिल्ली में बेस्ट मेमोरीज, हाँ बेस्ट, ठीक है ना, इंटरव्यू वाले ये थोड़ी सुन रहे हैं, इंटरव्यू वालों के लिए फिर बोल देंगे। बेस्ट मेमोरीज था वो टाइम होता था जब हम लोग बस कुछ करने नहीं होते थे, ओके, हॉस्टल में बस पड़े रहते थे, हाँ कुछ ऐसे ड्रामा नॉटिंग चल रहा है, हाँ मतलब वो लुक्खापन भी वही मजा आता है, ट्रू। तुमने जस्ट मुझे अभी लुक्खा बोला था, पता है ना? नहीं नहीं, अरे लुक्खा तो इट्स लिंगो यार, IIT लिंगो, लुक्खास आर रिस्पेक्टेड, मजा आता है, ट्रू, आई एग्री। All set, let's start. T-2 minutes and we're all set. Sir आ गए, अनुभव सर भी आ गए हैं अभी and yeah, let's get started. All excited. पूरा क्राउड बच चुका है, ठीक है, अभी बच्चे हमने रोके भी हैं, but yes, that's the craze. गाना लगा हुआ है पीछे. So guys, at the age of 23, he's an IIT Delhi alumnus, he's a content creator, songwriter, a musician, and these are just a few of his achievements at such a young age. So guys, without any further ado, I'd like to call upon stage and I need a huge round of applause. शक्लों पे जो एंथुसियाज्म है, जो एनर्जी है एंड जो प्यार है, मुझे तो नहीं दिख रहा, कम ऑन गाइस, ये पहली बार हम इवेंट कर रहे हैं एंड जितना प्यार हमें दिख रहा है, आई एम श्योर वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस। तो यार नोवा, आई डीपली एक्सप्लेन यू हाउ दिस टॉक गोज ऑन। स्टार्टिंग में वी हैव सम क्वेश्चंस जो इन्हीं लोगों से आए हैं हमें डिस्कस करके, वट एवर आर कॉमन क्वेश्चंस, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, वो हम आपसे पूछने वाले हैं, मैं और धवल, वी विल बी योर होस्ट and after that we'll be open for discussion guys, your questions will be answered by Nova, you get to interact with him live, so kare start, all set, all kare start, chalo shuru karte hain bhai, chalo theek hai,
who's your favorite YouTube creator? Okay, so what was the most boring subject in your college? भाई बहुत अच्छे से आ रहा था। अच्छा आपका सेलिब्रिटी क्रश था? मैं चला मेरे आंसू पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी ना, बढ़ता मैं गया ऐसे जैसे मुझे कोई भी ना रोक सका। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल मेरे मन रास्तों को अपना जहां, कभी कोई रोज घर रोज के धागे, कभी कोई पूछे क्या मेरा पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। जनता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ, मेरे तो है सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे। दिल की जुबान कहना सका कहना सका, आती अभी खाबों में भी मेरी वफा। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ, मेरे वह सपने वही मेरे अपने, मुझको ना दुनिया की है परवाह। Meeting, guys. Let's take two or three questions very quickly. तो हम आज चूज करना चाहेंगे कौन से कोई दो तीन खास लोगों के क्या क्वेश्चन। हाँ बता देंगे, हम भाई बता देंगे। सारे खास हैं। फिर मतलब रैंडम एक लेफ्ट से चुन लीजिए, एक बीच से, एक राइट से। मैं बात चाल के लिए करता हूँ, मैंने तुम्हें बता सकती हूँ। ले 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 अमन अग्रवाल से क्या सीखा? अमन अग्रवाल उसको तो भी किसी ने क्या सोचा? उसको भी किसी ने सिखाई थी। मैं सिर्फ एक बार मिला यार, and one thing that I feel everyone should learn from him is how humble he is. मतलब it's very easy when you have like so many people following you and all that, तो थोड़ा सा एक attitude आ जाता है। But if you meet him, he's so nice and so gentle that I cannot even express. That is something that everyone should learn from. छोटी चीजें तुम्हें समझ में आ रही है, और भी चीजें हैं। When you listen to the song, you will find more things. Last question. नहीं मतलब यार time करो फिर। चलो यार। जैसे तेरी आता है। Bye bye bye.
या मैं आपका वो वाला सॉन्ग सुनता था तू रुके ना, जब अपनी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था 11-12 में, एंड आई वांट टू टेल यू दैट मैं डेली सुबह 4 बजे जब भी उठता था पढ़ने के लिए तो पहले वो कान में लीड लगाई और वो गाना चलाता था और उससे मतलब नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन था। और तो नहीं पाया इसके आस पास भी पर नहीं पूछो लेके ये नहीं कह सकते कि इसके कारण ये हो गया, शायद कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता था, शायद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता था, क्योंकि अपेरेंटली मैंने 5 साल केमिकल इंजीनियरिंग करी है, समझ रहे हो? एल्डोल कंडेंसेशन क्या निकला था रिएक्शन है, हाँ, एक्सपेरिमेंट पे टाइट्रेशन बैठ के, उस टाइम अगर मैं म्यूजिक करता तो शायद चीजें डिफरेंट होती, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, क्वालिटी के ना जानते हैं, तुम कह नहीं सकते, इट्स जस्ट लाइक मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको न दुनिया की है परवाह, मैं हूँ मुसाफिर चलता रहे जो चाहे रुके टोके मुझे कोई भी यहाँ, मेरे जो सपने वही मेरे अपने, मुझको न दुनिया की है परवाह, मैं हूँ मुसाफिर जो चाहे रुके टोके मुझे कोई भी यहाँ। थैंक यू सो मच गाइस। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा भाई, जो क्राउड था, जो अमेजिंग रिस्पॉन्स था, माइंड ब्लोइंग, द सॉन्ग, द जैमिंग, ऑल ऑफ इट वाज क्रेजी फन फिल्ड। एक बार बस नोवा से भी पूछ रहे थे उनको कैसा लगा। ऑसम, तो इवेंट इज अप नोवा का। मेरे को तो भाई बहुत मजा आया होस्ट करने में। नोवा कैसी था और इवेंट यार? इवेंट मतलब आई थिंक जो लोगों ने जिस तरीके से जैम किया, एवरी रिस्पॉन्स की और एवरी आंसर, आई थिंक दैट दैट अभी भी इधर जितने भी खड़े हैं सबकी शक्ल was crazy fun filled and I think this will be the highlight of Creators Conclave. So what a start to Creators Conclave 2022. कैसा था अभी hosting हमारी तरफ से? कुछ कमी चली रही है? I think बहुत सही था, बहुत candid था, बहुत raw था, कोई ऐसे फर्जी चीज़ तो ऐसे नहीं, हम नहीं करते हैं अनफिल्टर्ड लोगों को ब्लॉगर। दैट वाज आल्सो देयर एंड आई रियली लव्ड हाउ ऑडियंस वाज आल्सो एंगेजिंग विद अस एंड देयर सो मच इनटू द क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, सो वेरी मच फन। थैंक यू सो मच आईटी बॉम्बे। ऑसम, थैंक यू सो मच नोवा फॉर जॉइनिंग अस, आई विल सी यू अराउंड। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझे को ना दुनिया की है परवाह, मैं हूं मुसाफिर चलता रहे जो चाहे रुके टोके मुझे कोई भी यहां। Stable, oh yeah.